जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ। अर्निंग का एक सोर्स है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए पिंटरेस्ट से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सोर्स बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ के अंदर कहा है कि आपको अदर वेबसाइट्स, अदर ब्रांड्स को कॉन्टेक्ट करना होगा, उनसे UTM लेना होगा और फिर उनकी वेबसाइट के ऊपर आप ड्राइव करेंगे। लेकिन इस दफ़ा कुछ डिफरेंट है। इस दफ़ा आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए पिंटरेस्ट के, नो डाउट, लेकिन वो थोड़ा सा थोड़ा सा अलग डिफरेंट नीचेज के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको उनके ऊपर करना क्या है कि आपको उनके ऊपर बेसिकली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, ठीक है। पिंटरेस्ट के ज़रिए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। अब ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी ये काम हो रहा है और वो लोग जो कर रहे हैं वो बेसिकली अपने ई कॉमर्स के स्टोर, शॉपिफाई के स्टोर्स को के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पिंटरेस्ट के ऊपर प्रमोट करते हैं और फिर यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लोग उन प्रोडक्ट्स को पिंटरेस्ट से बाय करते हैं और उनको कमीशन जो है ना वो उनको जनरेट होता है, ठीक है। और इसी तरह अमेज़ोन का भी अकाउंट है पिंटरेस्ट के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करके देखें अमेज़ोन के अकाउंट को, तो उनकी भी डेफिनेटली यहाँ से सेल्स निकलती होंगी, ठीक है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी ये कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ अमेज़ोन, तो यहाँ अमेज़ोन की प्रोफाइल आती है, ये देखें amazon.com के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह यहाँ पर इन्होंने पिंस की शक्ल में देखें लगाया हुआ है। अगर कोई बाय करता है या इनको तो खैर ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर। और आप अमेज़ोन को भी ट्राई कर सकते हैं। आप डीजी स्टोर के नाम से एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है डीजी, जिसको मैंने ज़ाती तौर पर जो है ना वो ट्राई भी किया हुआ है। डीजी स्टोर 24, ये देखिए आ चुका है, इसको मैंने खुद ट्राई किया है। और इसको मोस्टली जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम के ज़रिए करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के ज़रिए वो बड़ी पावरफुल उनको जो है ना वो अच्छा कन्वर्जन मिलता है और ऑडियंस भी बड़ी जो है ना वो वहाँ पर टारगेट होती है। लेकिन आप इसको पिंटरेस्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग पिंटरेस्ट के ऊपर भी इसको ट्राई कर रहे हैं और यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। अब करना क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर आपको एक अकाउंट रजिस्टर्ड करना है, और अकाउंट रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स जो है ना वो लिस्टेड हैं कैटेगरीज़ के साथ। तरह तरह की कैटेगरीज़ हैं, फैशन, फूड, फलां फलां फलां, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। जस्ट उनके ऊपर आपको पिंस बनानी है, अच्छी प्रोफेशनल पिंस बनानी है। आप आइडियाज़ ले सकते हैं, यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने बनाई हुई हैं, ये देखें, ये एक प्रोफेशनल पिन है, ये भी प्रोफेशनल पिन नज़र आ रहा है, इसमें डिज़ाइन अच्छा है, ये भी। तो इस तरह की पिंस आपने डिज़ाइन करनी है और इनके लिंक्स को डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स का जो लिंक होता है एफिलिएट लिंक, वो आपको वहाँ पर मिलेगा और उसको अपने यहाँ पर पिंटरेस्ट की डेस्टिनेशन लिंक में इस्तेमाल करना है। जब भी कोई बंदा बाय करेगा तो भाई आपको उसका कमीशन मिलेगा। अब ये आपको बता दूँ कि ये कोई हलवा नहीं है कि आप आज लगाएंगे तो कल आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे, नहीं। आपको इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर मेहनत नहीं है। हर काम में आपको अपना टाइम देना पड़ता है, बेस्ट देना पड़ता है, और फिर जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेरा काम है आपके साथ चीज़ें शेयर करना, ठीक है, इस चैनल के ऊपर चीज़ें शेयर करना, अपना नॉलेज शेयर करना, ताकि आप उन चीज़ों को ट्राई कर सकें, आजमा सकें अपने लिए कि क्या वो आपके लिए वर्क करती हैं। अगर मेरे लिए वर्क करती हैं तो डेफिनेटली आपके लिए भी वर्क कर सकती हैं, क्योंकि मैं कोई जो है ना वो हवा नहीं हूँ, तो इसलिए आप उसको ट्राई करें, ठीक है। और इसके ऊपर अकाउंट सेटअप करना और बहुत ईजी है, बच्चों का जो है ना वो काम है। आपको इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बड़ी आपको इसके ऊपर मुश्किल आने वाली। जस्ट साइन अप करें, जो भी आपको डिटेल्स यहाँ पर मांगता है ओरिजिनल डिटेल्स देनी है, चाहे नाम है चाहे ईमेल है, हर चीज़ आपने ओरिजिनल इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिलेगी और वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। एफिलिएट लिंक पिक करें और दैट्स इट, पिंटरेस्ट पर शेयर करें बस। तो अमेज़ॉन भी कर सकते हैं और डीजी स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन का ये है कि थोड़ी सी बाज़ुकात जो ना, अगर आप सेल्स नहीं करते जनरेट, फॉर एग्जांपल आप 180 डेज़ के अंदर जो ना वो 3 क्वालिफाइड सेल्स जनरेट नहीं करते, तो आपका अमेज़ॉन अकाउंट बंद हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने भी अमेज़ॉन को ट्राई किया था, मेरी दो सेल्स निकली थी पिंटरेस्ट से जब मैं टेस्टिंग कर रहा था,
तीसरी नई निकली थी तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने और वो अकाउंट मैंने जो है ना वो जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाया था। मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है वेबसाइट्स एफिलिएट के लिए वो अलग है, ठीक है, यूके का और फलां फलां का, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई पंगा नहीं लिया। ऑल दो मैं वहाँ पर भी तो ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता चूँकि वेबसाइट पर लगा हुआ, तो इसलिए इसके ऊपर नहीं कर रहा, करूँगा इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी क्वेश्चन हैं आपके, किसी भी तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उनको यार लाजमी जो ना वो नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, कमेंट करें क्वेश्चन की सूरत में। मैं आपको नहीं कहता लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जस्ट कमेंट करें, क्वेश्चन करें, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चंस करें, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को कवर कर सकूं और आपके लिए आसानी जो ना वो थोड़ी सी कर सकूं जितना मैं कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।